नमस्कार, मैं हेमंत जायसवाल और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। बात करते हैं क्षेत्र की तमाम खबरों को लेकर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्प्रिंग H2O ड्रिंकिंग वाटर। भवानी मंडी नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा द्वारा भवानी मंडी शहर के सभी मंदिरों का सफाई अभियान शुरू किया गया, जिसमें शिवालय मंदिर में सफाई कर्मचारी, पालिका अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी एवं पालिका उपाध्यक्ष ने मिलकर शिवालय परिसर की सफाई की, वहीं अपनी भागीदारी निभाई। आने वाले 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर साप्ताहिक कार्यक्रम बनाया गया, जिसको लेकर शिवालय मंदिर से इसकी शुरुआत की गई। रोजाना सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक सभी मंदिरों के प्रांगण की सफाई अभियान के तहत सफाई की जाएगी, वहीं सभी इसमें भागीदारी निभाएंगे। मंदिर के ट्रस्टी एवं समितियों को भी श्री राम मंदिर के वहीं पालिका अध्यक्ष अनिल मीणा, अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे। नगर पालिका द्वारा शहर के जितने भी सुप्रसिद्ध मंदिर हैं उन पर एक सफाई अभियान का जो है 7 दिन का है कार्यक्रम। क्या प्रोग्राम है पूरा? ये प्रोग्राम स्वच्छ तीर्थ स्थल 14 तारीख से 21 तारीख तक रेगुलर चलेगा, जिसमें जितने भी मंदिर है भवानी मंडी शहर में सभी की साफ सफाई करवाई जाएगी और वहाँ पे जो भी आवश्यकता है जैसे झाड़ू पोछा जो भी आवश्यकता है वो सब उनको दिए जाएंगे और डेकोरेशन भी किया जाएगा। 22 जनवरी को बहुत बड़ा एक राम मंदिर का जो है प्रतिष्ठान का कार्यक्रम है, उसमें नगर पालिका के पास किस तरह के दिशा निर्देश है सरकार की ओर से? उसमें डायरेक्शन ये है कि सभी जितने भी मंदिर हैं उनमें सब डेकोरेशन किया जाए, साज सज्जा की जाए, उनको मतलब सजाया जाए, पूरे नगर को सजा के और अच्छा प्रोग्राम करने का डायरेक्शन दिया गया। उसके अनुसार नगर पालिका पूर्ण प्रयास करके अच्छा प्रोग्राम करने का प्रयास। वाइस चेयरमैन साहब, जिस तरह से मंदिर में सफाई अभियान की शुरुआत जो है वो देखने में नजर आ रही है, राम मंदिर का जो भ्रम जो है प्रतिष्ठान जो है कार्यक्रम है उसमें, उसको लेकर पूरे राजस्थान में सरकार सुनिश्चित कर रही है मंदिरों की जगह, कैसा कार्यक्रम है? अभी यू साहब ने बताया आपको, राज्य सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसकी ओर से नगर पालिका पूरे जितने भी धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, उनकी साफ सफाई होगी और साज सज्जा होगी, लाइट डेकोरेशन होगा और 22 तारीख को एक भव्य नगर में राम जी का जुलूस निकाला जाएगा। जी, जिस तरह से काफ़ी मंदिर है, जैसे आपने बताया कि हर 8 दिन के अंदर अगर सफाई सब मंदिरों की बाहर की हो जाए तो वो सही साज सज्जा में रहे, उसमें क्या कहेंगे आप? मैं अभी सभी ईओ साहब ने और हमने नगर पालिका स्टाफ ने जितने भी सफाई कर्मचारी है उनको गाइडलाइन दी है जी कि सप्ताह में एक बार जो धार्मिक स्थल है उनकी सफाई बिल्कुल होना चाहिए, गतिविधियाँ करेंगे और हमें बहुत खुशी है, हमारे बहुत खुशी की लहर है। आज राम मंदिर मसला हो गया, हम सब देश के वासी सभी धर्म के लोग एकजुट हो गए। राम मंदिर जो रामलला की जो हमारे प्रतिष्ठा है जो हमारे 12 बजे होगी अयोध्या के अंदर, उसको मनाइए और यहाँ पर भवानी मंडी बहुत प्रसन्नता के हजार दिन सब मिलजुल कर मनाएंगे। इसके साथ पूरे नगर वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। सब नगर वासियों को अपील करता हूँ, आप ग्रामीण वालों से कि जो 2 बजे का जुलूस निकले नगर पालिका, उसमें आप सब प्रकार भव्य एक जुलूस निकलेगा, देख लो अच्छे से झांकियाँ मिलेंगी और जो हमें कलाकार आ रहे हैं वहाँ के जी वृंदावन के वो देखने को मिलेंगे, कई जगह आ रहे हैं, नासिक के महाराष्ट्र के आ रहे हैं, जो सब वो देखने को अच्छे से अच्छे रामलला का राम प्रतिष्ठा का अच्छे से अच्छे नगर पालिका को प्रोग्राम करेंगे। इसी तरह भवानी नगर उनके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ठीक है। झालावाड़ जिले के चोमेला कस्बे में अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को लेकर कस्बे के मुख्य झंडा चौक सहित कस्बे में जगह जगह आकर्षक विद्युत सजावट की जाएगी, पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित भजन संध्या में सुप्रसिद्ध गायिका अधिष्ठा अनुष्ठा भटनागर प्रस्तुति देगी। सामूहिक हनुमान चालीसा मंडल व नगर वासियों के सहयोग से 22 जनवरी को विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, साथ ही भजन संध्या का आयोजन होगा जिसमें सुप्रसिद्ध गायिका अधिष्ठा व अनुष्ठा भटनागर मंचों द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में भजन कीर्तन भी होंगे। अयोध्या में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण LED पर दिखाया जाएगा। शाम 7 बजे श्री राम मंदिर पर भव्य आतिशबाजी भी होगी। गंगधार कस्बे में गुरु गोविंद सिंह जयंती का पर्व बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ के बाद भजन कीर्तन व अरदास बहुत ही श्रद्धा के साथ की गई। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया, साथ ही उनकी द्वारा बताई गई शिक्षाओं पर अमल करने का संकल्प लिया गया। सभी ने एक दूसरे को गुरु गोविंद सिंह जयंती की बधाई दी एवं शुभकामनाएं दी। उसके पश्चात लंगर का आयोजन किया गया जिसमें सर समाज की महिला पुरुष बच्चों ने लंगर चखा। भोजन प्रसादी ग्रहण के कार्यक्रम में ओम प्रकाश पंजाबी, अर्जुन कालरा, गोविंद पंजाबी, हुकम चंद कालरा, ब्रजमोहन पंजाबी, हेमराज कालरा, विनोद कालरा, गुरमुख सिंधी, राजेश सिंधी, हरेश गौर, बिजू
ठाडानी, सुरेश सिंधी, जोनी बालानी, मानव गंगावानी सहित पंजाबी और सिंधी समाज के लोग मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के असनावर में मकर संक्रांति के दिन चाइनीज मांझे की चपेट में आकर 22 वर्षीय बालक की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया, जहां झालरापाटन शहर में पतंग व मांझे विक्रेताओं ने 3 दुकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की एवं धातु और प्लास्टिक मिश्रित चाइनीज मांझे की बड़ी खेप बरामद की। इस दौरान पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने मांझा विक्रेता 3 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी किया। मामले में जानकारी के देते हुए नगरपालिका झालरापाटन के अधिशासी अधिकारी हेमेंद्र कुमार ने बताया कि 3 दिन पूर्व असनावर कस्बे में चाइनीज मांझे से गला कट जाने की वजह के कारण 12 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई थी। हालांकि जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद मकर संक्रांति के पूर्व से ही प्रशासन टीमें द्वारा चाइनीज मांझे विक्रेताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई। राज्य चाइनीज मांझे पर कार्रवाई की है, किस तरह की कार्रवाई की गई? क्योंकि पहले भी क्या है कि लोगों को समझाया था, उसके बाद से हमने जो है चाइनीज मांझे पर कार्रवाई की थी। कोर्ट में भी राज्य सरकार के निर्देश कि चाइनीज मांझे को जो है रोकथाम के लिए नगर पालिका प्रशासन जो सख्त कार्रवाई करे। और पूर्व में भी हमने 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख को जो है 3 दिन तक रेगुलर लोगों को समझाया कि जो चाइनीज मांझे पर कार्रवाई की थी, लगभग 64 ग्रिगेड हमने पकड़े थे। मौके पर जो मांझा बेचने वाले को पाबंद किया था कि अगर भविष्य में इस तरह का मांझा बेचा जाएगा तो कानूनी मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज करेगा। आज जो है सिरमौर जिला कलेक्टर महोदय के आदेश की पालना है, पुनः जो है 2 दिन से हम इसकी तलाश कर रहे हैं कि कौन इस तरह के लोग हैं जो बाद में भी इस तरह का चाइनीज मांझा बेच रहे हैं। और आज हमने जो है तहसीलदार जी और थाना और नगर पालिका ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है और लगभग जो है 110 गिरारी बड़ी और छोटे जो है गिट्टे लगभग 540 गिट्टे और एक दूसरी जगह से हमें जो है छोटी मध्यम साइज की जो लगभग 30-40 गिरारियाँ और एक तीसरी दुकान से 3-4 जो गिरारियाँ चाहिए। इस तरह 3 जगह कार्रवाई की गई है और 3 जगह कार्रवाई पर हमें जो है नायलॉन प्लस प्लास्टिक मिक्स मांझा मिला और तीनों पर जो है नगर पालिका प्रशासन जो है मुकदमा दर्ज किया है नियमों का, और ताकि लोग भविष्य में जो है चाइनीज मांझे का उपयोग ना करें। क्योंकि रिसेंटली अभी हमारे यहाँ पर जो है चाइनीज मांझे से एक बच्चे की जो हताहत हो गया है, तो हम सबकी जिम्मेदारी की चाइनीज मांझे का उपयोग ना करें। रायपुर कस्बे में विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि भैरव सिंह ने गुरु गोविंद सिंह के जीवन की प्रेरणादायक जानकारी दी। इस अवसर पर विद्यालय प्रधानाचार्य ने भी गुरु गोविंद सिंह के जीवन की अनुकरणीय घटनाएं बताई। इस अवसर पर विद्यालय के सभी आचार्य दीदी तथा भैया बहन मौजूद रहे। गुरु गोविंद सिंह की जयंती प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा झालावाड़ में शब्द कीर्तन व लंगर का आयोजन किया गया। सभी धर्म के लोग पहुँचे, मत्था टेका, साथ ही गुरुद्वारा में काफ़ी संख्या में सेवक मौजूद रहे। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर नित्य संकीर्तन प्रभात फेरी मंडल भवानी मंडी द्वारा 22 जनवरी को नगर में प्रभात फेरी का भव्य आयोजन किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा दिवस को धूमधाम से मनाने के लिए नित्य संकीर्तन प्रभात फेरी मंडल की एक बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि प्रतिदिन की तरह 22 जनवरी को प्रभात फेरी ढोल बाजे व भजन कीर्तन के साथ सुबह 6:30 बजे बालाजी मंदिर चौराहे से प्रस्थान करेगी। नियत मार्ग होते हुए राधेश्याम मंदिर दर्शन करते हुए पुनः बालाजी मंदिर पहुँचेगी, जहाँ समापन होगा। हनुमान चालीसा और राम नाम की माला एवं प्रसादी वितरण के साथ समापन किया जाएगा। संस्कार भारती निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गई, जिसके मुख्य अतिथि गुरुमुख सिंह अध्यक्ष गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा भवानी मंडी रहे। वहीं दर्शन सिंह, हरदीप सिंह, अमनदीप सिंह, मनिंदर सिंह ने गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ देश की व धर्म के हित में कुर्बान कर दिए हैं और बच्चों को इनकी शिक्षाओं के बारे में बताया। प्रबंधक निदेशक सीताराम नवाल ने अपने आशीर्वचन में विद्यालय परिवार को मार्गदर्शित किया। अंतिम प्रधानाचार्य उमाशंकर शर्मा ने सभी को आभार व्यक्त किया। शामगढ़ में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत प्रशिक्षण नेत्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर जैन सोशल ग्रुप तथा लाभ मुनि नेत्र चिकित्सा के सहयोग से जिला परिवहन विभाग तथा जिला पुलिस द्वारा विशेष रूप से बस स्टैंड चालकों का महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर नेत्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। अयोध्या में होने वाले भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर मंदसौर जिले में भी तैयारियां शुरू हो गई है। मंगलवार को भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में कलेक्टर दिलीप कुमार यादव व सीआई जिला पंचायत कुमार सत्यम ने स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर अपर कलेक्टर विशाल सिंह चौहान,
SDM सहित सभी जिलाधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। सभी ने पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर सफाई की। जिले के सभी मंदिरों में सफाई का कार्य किया गया। रंग व लाइट की व्यवस्था की जा रही है। जिले की में जगह जगह प्रभात फेरी निकाली जा रही है। 22 जनवरी को सभी मंदिरों पर आयोजन होंगे। LED के माध्यम से भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को कार्यक्रम को दिखाया जाएगा। बेसौदा नगर परिषद में मंदिर समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि अजय पौराणिक, CMO खेमचंद मूसले, बेसौदा चौकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्र, श्याम गुजर और पार्षद मनोहर सैनी, आशा चंदेल उपस्थित रहे, जिसमें ग्राम में होने वाली आयोजन के बारे में जानकारी ली गई। बेसौदा में विद्युत सज्जा का भव्य आयोजन, सामूहिक सुंदरकांड का आयोजन, नगर में प्रभात फेरी, 56 भोग व शोभा यात्रा, हरिहर मिलन, रामलला विराजमान के समय आतिशबाजी का आयोजन रखा गया। पूरी जानकारी को लेकर चौकी प्रभारी ने व्यवस्था की जिम्मेदारी नगर के सभी नागरिकों को सुचारू रूप से चले ऐसा आग्रह किया। उनेल कस्बे में शुक्रवार को श्री जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप शाखा उनेल नागेश्वर की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष ममता जैन अजय कुमार को नियुक्त किया गया। उपाध्यक्ष शकुंतला बेन धर्मचंद जैन, सह उपाध्यक्ष ज्योति बाला पारस जैन, कोषाध्यक्ष ज्योति बाला अनिल कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष नेहा नेमीचंद जैन, सचिव सुनीता दिलीप कुमार जैन, सह सचिव नेहा पवन कुमार जैन, प्रचार मंत्री रीना दीपक कोठारी को नियुक्त किया गया। पारस जैन ने बताया कि इस वर्ष जैन सोशल ग्रुप शाखा उनेल के सदस्यों के रूप में 5 और नए दंपति जोड़े गए हैं, जिसमें मंगला भागचंद जैन, रुचिता अंकिता जैन, काजल रजत जैन, दिव्या दीपक जैन और सुषमा पिंटू जैन। सभी ने नए कार्यकारिणी सदस्यों की आगामी दिनों में राष्ट्र अध्यक्ष की उपस्थिति में शपथ दिलाई जाएगी। भानपुरा तहसील के चुकी पंचायत के आंकी गांव में CC रोड व नाली निर्माण कार्य का फर्जी बिल 94,000 रुपये का पास कराने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों और सरपंच ने सचिव पर आरोप लगाया कि ग्रामीणों ने बताया कि कृपा राम के मकान से रामदयाल के मकान तक CC रोड बना हुआ बताया गया है, जबकि यह रोड कागजों में बना हुआ है, लेकिन निर्माण दिखाकर 94,000 बिल लगाकर पैसे पास करवा कर निकलवा लिए गए हैं। सरपंच पूनमचंद पाटीदार व सचिव ब्रजमोहन पर आकी के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच पूनमचंद पाटीदार ने फर्जी बिल लगवा कर 94,000 रुपये का बिल पास कर हड़प लिए। मौके पर रास्ते में इतना कीचड़ है कि आने जाने वाले राहगीरों व ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब खबर 24 न्यूज़ की टीम ने चौकी गांव जाकर देखा तो पंचायत भवन पर ताला लगा हुआ था और वहां पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। जब खबर 24 न्यूज़ के संवाददाता ने जब सरपंच से बात की तो उन्होंने बाहर होने की बात कही। वहीं आकी के ग्रामीणों ने यह भी बताया कि हमने कई बार शिकायत की, लेकिन सरपंच पूनमचंद पाटीदार यह कहता है कि तुझसे जो हो सके वह कर लेना। शिकायत दर्ज करने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? रामदयाल। रामदयाल जी, क्या समस्या आ रही है आप लोगों को यहाँ पर? रामदयाल जी के मकान से कृपा राम जी के मकान तक का 94,000 का बिल पास होकर निकाल लिया साहब इन्हें। ना तो खून जो बनाए सीसी, ना नाली बनाई। किसने निकाले पैसे? पूनम चंद पाटीदार। वो नहीं है सरपंच। अच्छा, तो इसकी शिकायत आप लोगों ने करी है? नहीं करी। 181 पे शिकायत भी कर दी तो बानपुरा से वापस होगी साहब। अच्छा, वापस होगी। हाँ। क्या नाम है आपका? लालचंद गुजर। लालचंद जी, ये जो रोड की समस्या देखने को आ रही है, इसमें देखा जा रहा है कि सरपंच द्वारा फर्जीवाड़ा भी सामने आ रहा है, क्या है मामला पूरा? सर, जो पैसा भी खड़ा लिया और ना तो खुरन जो कराया, आज तक एक तरह तगारी गिट्टी भी तो नहीं डलवाई। और सरपंच साहब बोला तो भी बोले कि आप कटे भी तलाश कर लो, कहीं भी नहीं हो सके। पूनमचंद जी पाटीदार। तो क्या क्या कहते हैं वो? खूब शिकायत करो, कुछ कहीं भी नहीं कर सके, मारो मंदसौर चल जाओ, आप भोपाल तक कर लो। ना चंद्र सिंह जी मारो। हाँ, चंद्र सिंह जी विधायक साहब को नाम भी लिए। कितने हजार रुपए का ये मामला था? 94,000 रुपये को तो यू मामलो, एक जो रामदयाल जी के मकान से कर्पराम जी के मकान वालों, यानी कि बिल पूरे तरह से उठा लिया गया। पूरे तरह से उठा लिया साहब। क्या नाम है आपका? मांगीलाल गुजर। मांगीलाल जी, ये जो रोड की समस्या है, किस तरह की समस्या आ रही है आप लोगों को? सर, हमने सरपंच को भी बोले कि नाली निर्माण करा दो आप, और ये जो CCA थी जो रामदयाल जी का मकान से कृपाराम जी की मकान तक, उनकी इनको भी बना दो। तो उन्होंने पैसे भी निकाल लिए, नो CC बनाई अभी तक, और 181 पे शिकायत की थी हमारे भाई ने, तो वो भी बंद कर दी गई जनपद से ही। क्या बोला गया? ये बोला उन्होंने, क्या हम तुम्हारे गांव से नहीं जीते सरपंच, नहीं बने हम हमारे गांव से ही सरपंच बने, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। ऐसा कौन बोलता है? ऐसे सरपंच साहब बोलते हैं, पूनमचंद जी पाटीदार साहब। अच्छा, क्या आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे? कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे।
सुरेश जी, क्या समस्या आ रही है यहाँ पर रोड और नाली और खुरंचों को लेकर? नाली और रोड को बहुत समस्या आ रही है कि इधर की जो सीसी बन चुकी है पर नाली नहीं बनाई गई, और यहाँ का जो रोड है इसको बनाए नहीं गए और इसके बिल सारे उठा लिए गए हैं। ना तो नाली बनी, ना सीसी बनी, और गिट्टी भी नहीं बनी, और इसका सारा पैसा सरपंच ने निकाल लिया गया, और इससे भ्रष्ट वार्ड करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। इसकी शिकायत आगे आपने? हमने इसकी शिकायत हमने 101 भी कर दी, जनपद सीओ को भी बोल दिया, SDM साहब आए थे हमारे गांव में, हमने उनको ही बोला, उन्होंने देखकर चले गए पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मंदसौर नई आबादी स्थित गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुरुद्वारा में सत्संग के आयोजन सहित लंगर का आयोजन व भी किया गया। इसके साथ ही बुधवार को गुरुद्वारा परिसर में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बीपी शुगर सहित विभिन्न रोगों से ग्रस्त लोगों का स्वास्थ्य चेकअप किया गया। बता दें कि गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व को लेकर विभिन्न आयोजन प्रतिवर्ष के अनुसार आयोजित किए गए हैं, जहाँ बाहर से आए समाजजनों द्वारा गुरुद्वारा परिसर में सत्संग किया गया, वहीं सैकड़ों की संख्या में समाजजन पहुंचकर अरदास की। मंदसौर नगर पालिका द्वारा शिवना में जमी गंदगी व जलकुंभी को फिर से हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने इस बारे में रेलवे ब्रिज निर्माण कार्य को इसमें बाधा उत्पन्न करना बताया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुधीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर पालिका द्वारा इन दिनों शिवना शुद्धिकरण को लेकर यथासंभव कार्य किया जा रहा है, लेकिन मुक्ति धाम शिवना पुल पर बन रहे रेलवे ब्रिज के कारण निर्माण कंपनी द्वारा पानी को मिट्टी डालकर पूर्ण रूप से रोक दिया गया है, जिसके चलते गंदे पानी का निकास नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि पशुपतिनाथ मंदिर से बड़ी पुल क्षेत्र तक शिवना नदी में गंदगी और जलकुंभी की मात्रा बढ़ रही है। श्री रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा पर नगर पालिका भवानी मंडी द्वारा 21 जनवरी को रामलला एवं 22 जनवरी को भव्य रामोत्सव शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर पालिका में बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी तैयारी में लगा हुआ है। भवानी मंडी नगर पालिका द्वारा भी भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर गणमान्य मंदिर समितियों, पुजारियों तथा व्यापारियों की बैठक नगर पालिका कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में 22 जनवरी के दिन भव्य शोभा यात्रा निकालने को लेकर सर्वसम्मति की गई। राम मंदिर के लिए कार सेवक करने वाले कार सेवकों को सम्मानित करने के लिए नाम व जानकारी एकत्रित की गई। इस अवसर पर नगर में मुनादी करने वाले जितेंद्र बलवानी द्वारा शोभा यात्रा के लिए नगर तथा आसपास के गांव में निःशुल्क माइक उपलब्ध कराने की बात कही गई। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मनीष मीणा ने 21,000 रुपये तथा 40 पार्षदों द्वारा 2 माह का मानदेय कार्यक्रम के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया। इससे पूर्व पालिका क्षेत्र में लाइट व्यवस्था के लिए लाइट माइक टेंट व्यापारी द्वारा नगर के सभी मार्गों में लाइट डेकोरेशन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा एवं पार्षद राहुल बोरा ने बताया कि भवानी मंडी में रामोत्सव शोभा यात्रा दोपहर 2 बजे से आदिनाथ चौथमाता गणेश मंदिर से प्रारंभ होगी, जिसमें नगर में सबसे प्राचीन श्री राम मंदिर से राम लक्ष्मण जानकी की पालकी रहेगी। बच्चे राम लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, हनुमान, सुग्रीव, जामवंत एवं वानर सेना का रूप धारण कर शोभा यात्रा में शामिल रहेंगे। रामोत्सव में विश्व पदक धारक नासिक के विश्व प्रसिद्ध ढोल वादक द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। तिरुपति बालाजी की विशेष झांकी रहेगी। अखाड़ा प्रमुख अनिल वर्मा ने बताया कि महावीर व्यायामशाला द्वारा अखाड़े का प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर नगर के सभी मंदिरों पर पालकी द्वारा लाइट डेकोरेशन करवाया जाएगा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24 न्यूज। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे स्प्रिंग H2O ड्रिंकिंग वाटर।
स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एंड मिस्टर भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठ भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजय टॉकीज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, बहानी मंडी।